हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन, चैप्टर नेम कंप्यूटर फंडामेंटल्स। आज प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इनपुट डिवाइसेस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू। ठीक है, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आपने देखा भी होगा सीपीयू, नहीं लैब में देखा होगा, अपने घर पे भी होगा, कंप्यूटर में भी होता है, जो डेस्कटॉप हमारा होता है वो, जो लैपटॉप होता है उसमें भी हमारा सीपीयू होता है। सीपीयू मतलब ये नहीं होता कि बड़ा सा हो, सीपीयू तो प्रोसेसर, हमारा प्रोसेसर क्या है वही मैटर करती है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। देखिए सीपीयू क्या है, सीपीयू और सीपीयू और द प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर, और द प्रोसेसर, और द प्रोसेसर, प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर। मीन्स सीपीयू और द प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब या सीपीयू कह लीजिए या पर प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, जो हर चीज को प्रोसेस करेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन क्या होंगे इसके अंदर, अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन, अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन instructions and carry out क्या करेगा, डेटा या ऑपरेशन, carry out operation मतलब understand instructions and carry out operations on the computer accordingly, on the computer, on the computer accordingly। अब समझिए इसको क्या है, ये the CPU और the processor of a computer। ठीक है, understand instructions, क्या उस चीज को समझेगा, प्रोसेस करेगा, पहले समझेगा उस चीज को, जब समझ जाएगा then carry out the operation on a computer, उसके हिसाब से वो ऑपरेशन को कैरी आउट कर देगा। ठीक है, अब क्या है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्या है दिमाग, कंप्यूटर के लिए क्या है दिमाग, एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज, एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज, कंट्रोल द एक्टिविटीज और क्या करेगा, कंट्रोल करेगा क्या, एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें बाय परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी, इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, ब्रेन है कंप्यूटर का, एंड कंट्रोल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द कंप्यूटर, जो परफॉर्म करेगा उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, वो एक्टिविटीज क्या करेगा, कंट्रोल करेगा हमारा सीपीयू। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, आपका बुक होगी पेज नंबर 15 में देखना, अ टिपिकल पर्सनल कंप्यूटर कंटेंस अ सिंगल चिप, क्या होगी, सिंगल चिप होगी उसके अंदर, ये सिंगल चिप होती है, ऐसे लगी होती है सर्किट से करते हैं स्टेप से। ठीक है, हाउएवर सेवरल सेपरेट प्रोसेसर चिप
are present on large computer such as mainframe super computer. ठीक है, नाउ इट इज इवन पर्सनल कंप्यूटर कैन कंटेन मल्टीपल प्रोसेसर ऑन अ सिंगल चिप. मतलब आजकल जो हमारे पास कंप्यूटर आ रहे हैं पर्सनल, उसमें क्या होता है मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं. क्या होते हैं? मल्टीपल प्रोसेसर इन अ सिंगल चिप, जिससे बहुत सारी एक्टिविटीज एक कंप्यूटर में कर सकते हैं. तो वही चीज बताएगी इसके अंदर. ठीक है, ये अब सीपीयू के अंदर दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं उसके बारे में. क्या है? पहला सीयू एंड सेकेंड एआईयू. ये क्या है? कंट्रोल यूनिट. और ये क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीज होती है सीयू एंड एआईयू. ठीक है, ये क्या कंट्रोल करेगा? कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट इज अ कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू. सीपीयू क्या? ये कंपोनेंट है. ठीक है, दैट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर. क्या करेगा? मैनेज करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा. ठीक है, कंप्यूटर में क्या करेगा? मैनेज करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा. ठीक है, इट एक्ट एज मैनेजर बाय एक्सेप्टिंग द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड देन अदर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूट दोस. हमने इस प्रीवियस क्लास में आपको सीपीयू का डिजाइनिंग बताया था, मतलब स्ट्रक्चर बताया था पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर क्या होते हैं. इसके अंदर हमने बताया था कंट्रोल यूनिट, जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर को उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा. कौन सा वर्क किसको करना है वो भी कंट्रोल करेगा. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको ये काम करना है. हमने बताया था हमने इनपुट, जैसे इनपुट डिवाइस है, इनपुट हम लोग सीपीयू आएंगे, सीपीयू बस कहेंगे मेमोरी में आया, फिर एआईयू होगा. ठीक है, तो जहाँ यहाँ पे सीयू है, सीयू इसको भी कंट्रोल करेगा, इसको भी और इसको भी, और यहाँ पे क्या होगा? आउटपुट होगा हमारा, इसको भी कंट्रोल करेगा. मतलब ये वर्क बताएगा आपको ये करना है. आप इनपुट डिवाइस है, आप इनपुट देंगे, एआईयू को लॉजिकल सॉल्व करना है, उसका मेमोरी स्टोर करना है, उसका इसको भेज देना है. ठीक है, तो ऐसे करके ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? ये इंस्ट्रक्शन दे रहा सभी को, मतलब मैनेजमेंट पूरा संभालता है. कौन? सीयू. ठीक है, तो सीयू वर्क ये हो गया. एएलयू सुनिए, एएलयू क्या है? एएलयू में क्या होगा कि जो भी हमारे कैलकुलेशन होते हैं, जो भी हम कैलकुलेशन के बारे में, जैसे हम लोग कीबोर्ड हम इंसर्ट कराते हैं, जैसे मैथमेटिकल कोई भी हम लोग क्वेश्चन होते हैं, तो कौन सा करता है? एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ठीक है, और कौन ऑर्डर देता है? सीयू. ठीक है, उसके बाद शॉर्ट करके मैं मेमोरी में डाल के उसे आउटपुट में भेज देता है. ठीक है, ये है एएलयू का. ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आपका असाइनमेंट होगा. इसमें असाइनमेंट होगा सीयू एंड एएलयू को एक्सप्लेन करना. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले. और सी बता दिया एयर को सुनिए. एआईयू क्या है? एआईयू इज अ कंपोनेंट ऑफ अ प्रोसेसर दैट परफॉर्म अरिथमेटिक जो क्वेश्चन होते हैं, कंपैरिजन क्वेश्चन होते हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? एआईयू का यूज करते हैं. ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन आर द बेसिक कैलकुलेशन ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन. मतलब जो सिंपल से वेरिफिकेशन होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं. जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया. ठीक है, कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं, इसमें लॉजिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं. ठीक है,
इस टाइप से हम लोग कैलकुलेशन येलो में कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करके सबमिट करना है असाइनमेंट आज।